हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। जिस स्थान पे 5 से 7 मिनट का ये यज्ञ प्रतिदिन किया जाता है, वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर। ये इतनी बड़ी संख्या होती है, जो घना जंगल हो वहां का जो वायुमंडल हो, ऐसा वायुमंडल हम स्वयं अपने हाथों से अपने घर के अंदर 5 मिनट यज्ञ करके बना सकते हैं। इतनी बड़ी चीज, ऋण आवेशित प्राधान्य वायुमंडल, बॉडी को अल्कलाइन करना, गुड हार्मोन्स को बढ़ाना, ये कार्य इस यज्ञ के माध्यम से सहज रूप से संपन्न होता है, स्वाभाविक रूप से संपन्न होता है। अल्कलाइन बॉडी की बात आई, मैं एक संयोगवश देखिए, हम हवन करते हैं, हवन करने पर ये सारे लाभ होते हैं। उसके साथ साथ जो भस्म भभूत एश जो बच जाती है, उसको थोड़ा पीस लेते हैं, खरल कर लेते हैं और उसको रखते हैं। अभी आपने देखा होगा, ये अल्कलाइन वाली जब से बात शुरू हुई, रिसर्चे हुई कि अल्कलाइन बॉडी होने पर रोग नहीं होता और हो भी गया है तो जल्दी से ठीक हो जाता, इसको कहते हैं आयन चिकित्सा। क्या कहते हैं? मॉडर्न मेडिकल साइंस की भाषा में एनायन और कैटायन कहते हैं, धन आवेशित और ऋण आवेशित। अभी क्या कराया जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर 70% से अधिक पानी होता है, तो हम जो पानी पीते हैं उस पानी को हम अल्कलाइन पानी पिए तो हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन होगी, तो कोई रोग होगा नहीं और हो भी गया तो जल्दी से ठीक हो जाएगा। पहले लोगों के घरों में आरओ के मशीन लगवा दिए, अब अल्कलाइन वाटर के मशीन लगवा रहे हैं। 3.5 लाख रुपए की मशीन आती है, कितने की? और वैसे पानी लेते हैं तो 85 से 100 रुपए का लीटर आता है अल्कलाइन वाटर। और ये हवन करने पर जो भस्म होती है, उस भस्म को 1 लीटर पानी में 5-10 ग्राम की छोटी सी कपड़े के अंदर पोटली बांध लेते हैं और उसको उस पानी के अंदर डाल देते हैं। रात भर पड़ी रही, सुबह में उसको निकाल करके निचोड़ दिया, उसका एब्स्ट्रैक्ट भाग उसमें चला गया। लेबोरेटरी में वो पानी को टेस्ट किया गया, जो 3.5 लाख रुपए की मशीन अल्कलाइन वाटर करके देती है, 2 चुटकी भस्म वो पानी को अल्कलाइन करके दे देती है। और उसके साथ साथ जो हमें खनिज तत्व चाहिए, कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये खनिज तत्व भी उस पानी के अंदर आ जाते हैं। ये इतनी बड़ी चीज है, खाली जो ऐश भस्म जो अब कोई काम की नहीं रही, वो भी इतनी लाभकारी होती है। तो 3.5 लाख रुपए की मशीन लगा करके जो काम करते हैं, वो हमारी भस्म काम कर देती है, इतनी बड़ी चीज है। और उसके साथ साथ हवन यज्ञ को करने से ये ऋण आवेशित कणों को बढ़ा करके जंगल जैसा वायुमंडल, बॉडी को अल्कलाइन बनाना, पानी को अल्कलाइन करना, उसके साथ साथ वायु प्रदूषण से बचाओ, रेडिएशन से बचाओ, बैक्टीरिया वायरस फंगस से बचाओ, ये कई सारे लाभ सहज स्वाभाविक रूप से सबको प्राप्त हो जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ प्राप्त होता है, हम जब अलग अलग जड़ी बूटियां, गाय का घी आदि डालते हैं ना, गाय के घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन से भरा पूरा वायुमंडल हमें मिलेगा। और जब हम उसके साथ साथ गाय के घी के साथ साथ अलग अलग जड़ी बूटियों की भी हम आहुतियां देते हैं, वो जब उत्सर्जित होती हैं तो उसमें परफ्राल, गूगल स्ट्रेरॉल, ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंपोनेंट जब वायुमंडल के अंदर आते हैं, हम वायुमंडल के अंदर 24 घंटे रहते हैं और वो जो सुरभि होती है, सुगंधी होती है, वो जैसे ही उस वायु को हम लेते हैं, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को सीधा प्रभावित करता है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करता है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस में होते हैं और गुड हार्मोन्स भारी मात्रा में बढ़ जाते हैं।
स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, मानसिक असंतुलन, मानसिक अशांति का स्थायी समाधान यज्ञ है। 5 मिनट यज्ञ कर लो पूरे परिवार का स्ट्रेस मैनेजमेंट, इतनी बड़ी चीज। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, प्रतिदिन ये 5 से 7 मिनट यज्ञ करने पर न्यूरोकेमिकल्स, हमारा मस्तिष्क क्या है, एक केमिकल फैक्ट्री है, जो हम देखते हैं, सूंघते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, उसके आधार पे अलग अलग केमिकल्स बनाता है, पूरे शरीर में जाता है, उससे हमारा ये हाथ हिलाना, ये सब चीजें केमिकल के आधार पे होती है। और ये न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। आज तक मॉडर्न मेडिकल साइंस इतना आगे पहुंच चुका है, न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं। और ये यज्ञ हवन अग्निहोत्र प्रतिदिन करने पर हमारे न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस हो जाते हैं, सबसे बड़ी बात है। न्यूरोकेमिकल्स ऐसे चमत्कारी, अद्भुत, विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। और आज दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, और यज्ञ करने पर सहज रूप से उसे बचाव हो जाता है, पूरे परिवार का क्लेश, झगड़े, मानसिक असंतुलन, घर में ही आपस में झगड़ते रहते हैं लोग, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये सारी चीजों से बचाव हो जाए। आप तो बच्चे भी चिड़चिड़े होने लगे, अभी ऑनलाइन क्लासे मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, टीवी के ऊपर दिन भर, अभी 2 साल से रहे बच्चे, कितने चिड़चिड़े हो गए। ये करने पर मानसिक रूप से बिल्कुल संतुलन आ जाता है। तो ये यज्ञ अपने आप में एक बहुत बड़ी और विशेष साइंटिफिक चीज है, वैज्ञानिक चीज है। ये जो सारे लाभ बताए, ये सार्वजनिक और सबको लाभ मिलने वाले। इसके अतिरिक्त एक विशेष लाभ आयुर्वेद के ग्रंथों के अंदर, आयुर्वेद के अंदर 3 प्रकार की चिकित्सा बताई, कितने प्रकार की, देव व्यपासय चिकित्सा, युक्ति व्यपासय चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा, ये 3 प्रकार की चिकित्साएं होती है। यज्ञ को देव व्यपासय चिकित्सा कहते हैं, जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी होती है, बिगड़ चुकी होती है, अलग अलग ट्रीटमेंट लेने पर भी अब काम नहीं कर रहा है, उस समय आरोग्यार्थी आयुर्वेद में कहा, यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेदविहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। जब बीमारी की अवस्था इस कगार पर पहुंच चुकी है कि अब अलग अलग ट्रीटमेंट लेने पर भी ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसे रोगों को जीतने के लिए वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करे आरोग्यार्थी। और अथर्ववेद में विशेष रूप से बताया, यदि क्षितायुर यदि वा परे तो यदिर मृत्योरंतिकम नित एव तमा हरामि अस्पार्श्वमेनम सतसार्ध। यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, उनके प्राण क्षीण हो चुके हैं, धातु ये क्षीण हो चुके हैं, अब उनका लंबा जीवन नहीं दिख रहा है, तमा हरामि उसको भी मैं बाहर लाता हूँ, सतसार्ध 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूँ। और उन्हीं शास्त्र प्रमाणों के आधार पे हमने अलग अलग जड़ी बूटियां लेकर के हवन करके GC-MS-MS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री लैब की इस एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कि हवन करने पर क्या क्या तत्व निकलते हैं, क्या उससे लाभ होता है। हम बॉडी को डिटॉक्सिक करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट लेते हैं, लाखों रुपए लगते हैं, वो कंपोनेंट सहज रूप से इस यज्ञ के धूम्र के अंदर मिलते हैं। एंटी एंजियोजेनिक, कैंसर को ना होने देना या कैंसर हो जाने के बाद उसको ट्रीट करने के लिए जो कंपोनेंट्स लेते हैं, वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। एंटी ट्यूबरकोल, जो असंतुलित रूप से कोशिकाओं का बढ़ जाना, गांठ ट्यूमर हो जाना, कैंसर में घटित हो जाना, उसको रोकने वाले और उसको ट्रीट करने वाले कंपोनेंट्स भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। एंटी एफ्लिमेंट्री, सूजन, इंफेक्शन आदि को दूर करने वाले, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस, जो दर्द होते हैं, पीड़ाएं होती अलग अलग, उसको दूर करने वाले कंपोनेंट्स भी यज्ञ के अंदर पाए गए। एंटी माइक्रोबाइल, कम्युनिकेबल डिजीज को ठीक करने के लिए जो हम दवाइयां लेते हैं, उसको ठीक करने वाले कंपोनेंट्स भी इस यज्ञ के अंदर पाए गए। और एंटी ब्यूटाजेनी, हमारे जीन्स में आने वाले बदलावों को भी रोकने वाले मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। ये यज्ञ का धूम्र एक विशुद्ध मेडिसिन होता है, एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। यज्ञ के धूम्र के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स अवेलेबल फॉर्म में, गैस रूप में,
विशेष रूप से पाए जाते हैं, और वो हवन करने पर कहां आ जाते हैं? वायु में। और मैंने आपको सबसे पहला लाभ बताया, हमारा सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार हमारा कोई होता है तो क्या होता है? वायु। 24 घंटा खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सोते हुए भी हम श्वास ले रहे होते हैं, ये कंपोनेंट्स उस वायु के अंदर आ जाते हैं, और उसमें जब हम श्वास प्रश्वास की क्रियाएं करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो कंपोनेंट्स विशेष रूप से श्वसन के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में जाते हैं और लोगों को नव जीवन देने का काम करते हैं। जो शास्त्र में बताया ना, यदि क्षितायु यदि वापरे, तो जो मैंने बताया इसी आधार पे साइंटिफिक अनुसंधानों में भी पाया गया, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, दुनिया में पहली बार PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में कई सारे अनुसंधान हुए, और वर्ल्ड में पहली बार हवन में होमने वाली साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड 11 प्रकार की रोगानुसार हवन सामग्री आज शोध करके निकाल चुके हैं। 11 प्रकार की, इस सामग्री को डालिए ये बनेगा, उसमें रहिए ये रोग ठीक होगा, साइंटिफिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है। और उसके साथ साथ नैनो पार्टिकल, एक कंपोनेंट से एक तो चिकित्सा होती है, एक स्माइल सुगंधी आती है उससे हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं उससे भी हमारी चिकित्सा होती है, न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस होते हैं उससे भी हमारी चिकित्सा होती है, अग्नि की जो रश्मियां होती हैं उसके हमारे शरीर के ऊपर पड़ने उसके दर्शन उससे भी हमारी चिकित्सा होती है, मंत्रों का जो हम पाठ करते हैं उससे भी हमारी चिकित्सा होती है, उसके सब के साथ साथ यज्ञ से निकलने वाले जो पार्टिकल होते हैं ना, वो नैनो पार्टिकल होते हैं। कौन से पार्टिकल होते हैं? नैनो, आपने सबने सुना होगा, नैनो टेक्नोलॉजी को तो आप सब जानते हो। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है? -10 जो पदार्थ होता है उसको इतना महीन सूक्ष्म, 1 मीटर का 1 अरबवा हिस्सा, 1 नैनोमीटर होता है कितना, हम अपनी 5 में से एक भी इंद्रिय से उसको ग्रहण नहीं कर सकते। जो पार्टिकल, जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा वो ताकतवर और शक्तिशाली होता है। हम आयुर्वेद के अंदर अलग अलग औषधियां, जड़ी बूटियां आदि लेते हैं, वटी, आसव, अरिष्ट, चूर्ण आदि डॉक्टर देता है सामान्य अवस्था में बीमारी, लेकिन जब बीमारी बिगड़ जाती है, बढ़ जाती है, अलग अलग दवाइयां काम नहीं करती, क्या देता है? रस रसायन विद्या, भस्म देता है ना, अलग अलग छोटी छोटी पुड़िया बांध करके, 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम वो पुड़िया, वो क्या होता है? जो तत्व की हमें आवश्यकता होती है वो तत्व जिस द्रव्य के अंदर है उसको जला करके भस्म कर दिया, राख बना दिया, भभूत बना दिया, उसको अभी अभी फूक मारो तो वायुभूत हो जाए, इतनी सूक्ष्म होते, उसको भी छोड़ देने, उसको फिर खरल करते, पीसते, और इतना खरल करते हैं 30-30 फूट देते, मानी 30-30 दिन लगातार 2400 घंटों उसको खरल करते, और उस राख के भभूत के पार्टिकल को और तोड़ते हैं और तोड़ते हैं और तोड़ते हैं और तोड़ते, उसको तोड़ते तोड़ते इतना महीन और सूक्ष्म कर दिया जाता है कि हम चमड़ी के ऊपर रख करके थोड़ा सा ऐसे घिसे ना, हमारे खून में मिल जाता है, इतना सूक्ष्म कर दिया जाता है, नैनो कर दिया जाता है। और जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है, नैनो होता है, उतना ही ज्यादा उसके अंदर जो निहित शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा होती है वो प्रकट अवस्था में आ जाती है, उद्भुत अवस्था में आ जाती है, वो मल्टीपल बढ़ जाती है। और वो कितनी मात्रा में देते हैं वेदी? नाखून के बराबर 2 ग्राम 5 ग्राम देंगे, उसकी भी 60 पुड़िया बना करके शहद के साथ थोड़ी सी मात्रा में लेकर के चाटने के लिए देते हैं, जो मुट्ठी भर दवाइयां खाने पर जो व्यक्ति ठीक नहीं होता है, नाखून के बराबर जरा सी दवाइयां चाटने पर मरणासन व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी। हम ईंधनों का आज प्रयोग करते हैं, अलग अलग ईंधन, पेट्रोल डीजल कोयला आदि, लेकिन हम जब सैटेलाइट छोड़ते हैं, चंद्र आदि उपग्रह के ऊपर जाते हैं, वापस आते हैं, कितना ईंधन चाहिए? हम कौन सा ईंधन प्रयोग करते हैं? यूरेनियम। नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार किया गया ईंधन हम अभी जो वाहन में प्रयोग करें, थोड़ी सी मात्रा में डाल दें, जीवन भर गाड़ी चलाते रहो, दोबारा ना डालना पड़े, इतना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली वो ईंधन होता है। ये एक नैनो टेक्नोलॉजी होती है। क्या होता है? जो द्रव्य जितना ज्यादा तोड़ा जाता है उतना ही ज्यादा सूक्ष्म होता है, जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा वो पावरफुल शक्तिशाली पदार्थ बन जाता है। पूरी धरती पर सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम द्रव्य क्या होता है? अग्नि। क्या होता है? 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं ना, ठोस, द्रव, गैस।
ठोस रूप में चूना मिट्टी का ठोस पत्थर हमारे पास है। उस पत्थर के अंदर हम गैस का प्रवेश कराना चाहे, वायु का प्रवेश कराना चाहे, हो सकता है कितनी भी वायु डालो बह जाएगी उसके अंदर। उसके अंदर पानी भी कितना डालो, द्रव रूप को डालना चाहो तब भी नहीं डाल सकते। ठोस के अंदर ठोस को डालने की कल्पना ही छोड़ दो। मानी उस पत्थर के अंदर कोई भी द्रव्य का प्रवेश हम नहीं करा सकते, लेकिन उसको आप अग्नि के ऊपर रख दीजिए। अग्नि उसके अंदर नहीं, उसके अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाती, इतनी सूक्ष्म होती है। धरती पर का कोई द्रव्य उसके अंदर प्रवेश पाने की कोई शक्ति सामर्थ्य जगह ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अग्नि उसके आर पार हो जाती। क्यों? वो इतनी ज्यादा सूक्ष्म होती है। और उस अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि। जो भी पदार्थ अपने संपर्क में आता है उसको अपने जैसा बना लेती है। अपने जैसा मानी कैसा बना लेती है? अत्यंत सूक्ष्म बना लेती है, नैनो बना लेती है। हमारे पास गाय का घी है 1 किलो, 1 किलो जड़ी बूटियां है, समिधा है, पहले हम तोल सकते हैं, छू सकते हैं, वेट कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक बार अग्नि के अंदर उसकी आहुति दे दी, उसके बाद वो दिखाई देता है, उसका वेट कहां चला जाता है? वो सारा का सारा क्या हो जाता है? वो अग्नि स्वरूप। अग्नि स्वरूप मानी इतना ज्यादा नैनो हो गया, सूक्ष्म हो गया कि अब हमारी 5 में से एक भी इंद्रिय उसको ग्रहण नहीं कर सकती, इतना ज्यादा सूक्ष्म हो जाता है। और जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा वो ताकतवर शक्तिशाली बन जाता है। और IITs के साथ मिलकर के जब हमने कार्य किया ना, यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल नैनो पार्टिकल होते हैं, और उस पार्टिकल की जब एक्टिविटी देखी गई तो कैंसर से लेकर के विभिन्न प्रकार की दुसाध्य असाध्य प्रकार की बीमारियों को भी ठीक करने की शक्ति सामर्थ्य उस यज्ञ के पार्टिकल के अंदर होती है। यज्ञ एक सरल सस्ती सुलभ सर्वोत्तम एक विशुद्ध नैनो टेक्नोलॉजी है, अद्भुत विशुद्ध नैनो टेक्नोलॉजी। उस पार्टिकल श्वास के माध्यम से रोम रोम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश पाते हैं और हमारी चिकित्सा करने का काम करते हैं। ये अनुसंधानों में भी पाया गया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, इस सारे अनुसंधान और ये जो रोगानुसार हवन सामग्री आते हैं उसके बाद कितने सारे लोगों को हमने यज्ञ चिकित्सा करने के लिए प्रेरित किया, और जिन लोगों ने अपने जीवन में अपनाया। मैं अभी पिछले ही दिनों का एक उदाहरण बता रहा हूं। बहन वनीता जी बेंगलोर में रहती है, खाते समय उनको उस गले में अचानक से एक झटका सा आया और गोला चौक हो गया। अब वो कुला किया, कुला करने के बाद एक घुट पानी पीने गए, पानी ना पी पाए, बोलने गए, कहने गए परिवार के लोग, बोल भी ना पाए, एकदम से गला चौक हो गया, ना खा पाए कुछ, ना पी पाए कुछ, ना बोल पाए कुछ। नजदीक के कोई हॉस्पिटल में ले गए, उन्होंने सारी चीज किया, कुछ नहीं, फिर MRI सिटी स्कैन ये सारी चीज किया, फिर दूसरे डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, 6 बड़े हॉस्पिटल बेंगलोर के अंदर ले गए, सारे ट्रीटमेंट ये वो चेकअप सब कुछ कराने के बाद कोई डिफाइंड ही नहीं हुआ कि क्या रोग है। और डॉक्टरों ने अपने अनुमान से ऐसे ही जो दवाइयां दी नली के माध्यम से अलग अलग दवाइयां देने का प्रयास, वो दवाइयां और उल्टा उनकी पीड़ा बढ़ाए और कोई असर ना हो। ऐसे करते हुए 1-2 सप्ताह बीत गया। उनके भाई मुंबई में रहते हैं, उन्होंने इनको मुंबई बुलाया, मुंबई लेकर के गया, वहां पर मुंबई के बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर दिखाया अलग अलग, वहां फिर से MRI सीटी स्कैन और अलग अलग कंसल्टिंग और अलग अलग चीजें वापस कराई, कोई डिफाइन ही ना हो क्या रोग हो रहा है, दवाइयां दे, दवाइयां कोई काम ना करें, आवाज सारी चीजें बंद, भोजन बंद, और जो ग्लूकोज आदि देते हैं वो दे करके उनका जीवन चल रहा है। और ऐसे करते करते करीब 1 महीना समय चला गया, 12 किलो से ज्यादा वजन उनका कम हो गया, वो परिवार भी स्ट्रेस तनाव में, इधर का परिवार भी स्ट्रेस तनाव में, और डॉक्टर भी कुछ कर ना पाए, दवाई कुछ लगे ना, कुछ हो ना, ना बोल सके, ना खा सके, ना पी सके। अब आप देख सकते हैं परिवार की कैसी स्थिति हो। उस समय उनके भाई के घर पे प्रतिदिन 7-8 मिनट का हवन होता था, वहीं पे उनको बिठाया। अब डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया, कहीं पे कुछ हो ही नहीं रहा, 6 डॉक्टर मुंबई में भी दिखा लिए, 2-3 बार MRI सीटी स्कैन से लेकर के अलग अलग चीजें भी कराई, कोई डिफाइन ही ना हो, दवाई से कुछ हो ही ना। नाराज या जो भी कहो,
होकर के वो घर पे गए और घर पे वो हवन करते थे प्रतिदिन। एक एक घंटा गायत्री मंत्र से हवन किया, उसमें उनको बिठाया और उसके बाद उनको कहा आप इसमें जितना हो सके अनुलोम विलोम कीजिए, भ्रामरी कीजिए और जो एक्टिविटी कर सकते ओम का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। उन्होंने ऐसा करना शुरू किया जो एक महीना और 7-8 दिन तक ट्रीटमेंट चला, सब कुछ हुआ, लाखों रुपए लुटा दिए, आवाज ना आई, खा ना पाई। एक सप्ताह यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने पर वो बहन की आवाज आ गई और खाने लगी, बहन वनिता करके, ऐसे ऐसे केस दिखा। और एक तेलंगाना का रुद्रूर की एक माता जी है, उनको लीवर का कैंसर था, हैदराबाद में ट्रीटमेंट लेने गए तो उन्होंने अलग अलग ट्रीटमेंट दिया, धीरे धीरे वो कैंसर 6 जगह पे फैल गया ट्रीटमेंट लेते हुए भी, और वो लीवर का कैंसर जितना था वो भी पूरे पूरे लीवर में फैल गया, कंडीशन बढ़ गई, सीरियस अवस्था में आ गई। उनको मुंबई ट्रांसफर किया, मुंबई लेकर के गया, उन्होंने कहा इम्यूनोथेरेपी देनी पड़ेगी। इम्यूनोथेरेपी जब देते हैं एक इंजेक्शन 3 लाख का आता है, उन्होंने 6 इंजेक्शन लगाए और एक इंजेक्शन लगने पर वो 25 दिन से 45 दिन तक वो बेड से खड़ा नहीं हो सकता पेशेंट, इतनी खतरनाक होती है। और उनकी सेवा के लिए कोई खाना देना, सफाई करने के लिए भी जाता है उनके कमरे में, तो वो भी इतना रेडिएशन से प्रभावित होता है, वो भी बीमार हो जाता है, इतनी खतरनाक होती है। 5 इंजेक्शन दिया, 5वें इंजेक्शन के बाद जब 6ठा इंजेक्शन लेने के लिए गए, डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया कि अब ये सीरियस अवस्था में है और ये ओवरडोज में जा चुका है, अब हम इसको नहीं कर सकते, आप ले जाओ। जबरदस्ती कैसे भी रिक्वेस्ट करके, प्रार्थना करके 6ठा इंजेक्शन लगा करके घर पे लेकर के आए। अब कोई चारा था नहीं, डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, 6 जगह पे और भी फैल गया और लीवर तो पूरा ही कैंसर से युक्त हो गया। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञ अनुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहुत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। वातिष्ठी हवन सामग्री जो विशेष करके निर्गुंडे, रासना, अश्वगंधा, इलोय, पुनर्नवा, बला, नागरमोथा, अजवाइन, अरंड, गुड़वज, अमलतास, पारिजात, गुगुल आदि विशेष द्रव्यों से निर्मित इस वातिष्ठी हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर डीऑक्सिस पर्गुलिन आर लिमोनिन फोलिक एसिड जैसे विशेष कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो गठिया, जोड़ों का दर्द, जकड़न, सर्वाइकल, सियाटिका आदि वातज रोगों में विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है, तो आइए हम संकल्प लें संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।